ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एतावान् अव्ययो धर्मः पुण्यश्लोकैरुपासितः यो भूतः शोकहर्षाभ्याम् आत्मा शोचति हृष्यति। और श्लोक लिखा है ना, दसवां भी है ना। अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्यै क्षणभङ्गुरैः जन्नोपकुर्यात् अस्वार्थे मर्त्यस्वज्ञाति विग्रहै। पढ़ी एक एक श्लोक। धार्मिक नियम पुण्य श्लोक अत्यंत पवित्र कहे जाने वाले प्रसिद्ध पुरुषों द्वारा उपासित मान्य। यह जो भूत जीवों का शोक दुख से हर्षाभ्याम तथा सुख से आत्मा मन सोचति पश्चाताप करता है, हर्षति प्रसन्न होता है। अर्थ प्रभुपाद जी द्वारा, यदि कोई मनुष्य दूसरे जीवों के दुख से दुखी होता है और उनके सुख को देखकर प्रसन्न होता है, तो पवित्र तथा परोपकारी महापुरुषों द्वारा ऐसे पुरुष के धर्म को अविनाशी माना गया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, प्राकृत गुणों से प्राप्त शरीर के अनुसार मनुष्य तरह तरह के धर्मों का या व्यवसायों का पालन करता है, किंतु इस श्लोक में असली धर्म की व्याख्या दी गई है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी हो। आत्मवत् सर्वभूतेषु, दूसरों के सुख तथा दुख को अपना ही मानना चाहिए। इसी प्रकार, इसी आधार पर बौद्धों का अहिंसा का धार्मिक सिद्धांत स्थापित है, अहिंसा परमो धर्म। जब कोई हमें सताता है तो हमें पीड़ा पहुंचती है, अतः हमें अन्य प्राणियों को नहीं सताना चाहिए। भगवान बुद्ध का ध्येय वृथा पशु हत्या को बंद करना था, इसलिए उन्होंने उपदेश दिया कि अहिंसा ही परम धर्म है। एक ओर कोई पशुओं का वध करता रहे और दूसरी ओर धार्मिक कहलाए, ऐसा संभव नहीं। यह सबसे बड़ी धूर्तता है। जीसस क्राइस्ट ने कहा, हिंसा मत करो, किंतु धूर्त लोग अपने को ईसाई बताकर हजारों कसाई घर चला रहे हैं। इस श्लोक में ऐसी धूर्तता की निंदा की गई है। मनुष्य को दूसरों को प्रसन्न देखकर प्रसन्न होना और उन्हें दुखी देखकर दुखी होना चाहिए, इसी नियम का पालन होना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस समय तथाकथित परोपकारी तथा मानववादी लोग बेचारे पशुओं के प्राण लेकर संपूर्ण मानवता के सुख का समर्थन कर रहे हैं।
इस श्लोक में इसकी संस्तुति नहीं की गई है। इस श्लोक में यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को सभी जीवों के प्रति दयालु होना चाहिए, चाहे मनुष्य हो, पशु या वृक्ष। ये सभी जीवात्माएं श्री भगवान की संतानें हैं। भगवद गीता 14:4 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वजोनि सुकौंतेय मूर्तय संभवंतिया तासाम ब्रह्म महद्योनि रहम बीज प्रदह पिता। हे कुंती पुत्र, यह समझ लेना चाहिए कि सभी प्रकार की जोनियाँ इस भौतिक प्रकृति में जन्म लेने के कारण ही संभव हैं, और मैं बीज प्रदाता पिता हूँ। इन जीवात्माओं के विभिन्न रूप उनके बाह्य वेशभूषाएँ हैं। प्रत्येक जीव वास्तव में आत्मा है जो ईश्वर का अंश है, इसलिए किसी एक प्रकार के जीव का पक्ष नहीं लेना चाहिए। वैष्णव समस्त जीवों को ईश्वर का अंश मानता है, जैसा कि भगवान भगवद्गीता में कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिन। यथार्थ ज्ञानी पुरुष विनम्र विद्या विनय युक्त ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ते और चंडाल में समान दृष्टि से देखता है। ब्रह्म भूतः प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। दिव्यत्व प्राप्त पुरुष को तत्काल परब्रह्म की अनुभूति होती है और वह पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो शोक करता है और न किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह सब प्राणियों में समभाव रखता है। इस अवस्था में वह मुझमें शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। अतः वैष्णव सचमुच पूर्ण मानव है, क्योंकि वह दूसरे को दुखी देखकर शोक करता है और अन्यों को प्रसन्न देखकर स्वयं प्रसन्न होता है। वैष्णव पर दुख दुखी होता है। वह बद्ध जीवों को भौतिकता से दुखी देखकर सदैव दुखी होता है। इसलिए वैष्णव सारे संसार में कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने में सदैव व्यस्त रहता है। महोकष्टम पारक्य क्षणभंगुर यन्नो पकुरिया अश्वार्थ मर्त्य अश्वाज्ञाति विग्रह। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। यह शरीर जिसे मृत्यु के पश्चात कुत्ते तथा गीदड़ खा जाएंगे, मेरे अपने किसी काम का नहीं है। यह कुछ काल तक ही काम आने वाला है और किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। यह शरीर तथा इसके सभी कुटुंबी तथा संपत्ति परोपकार में लगने चाहिए, अन्यथा वे सब दुख एवं विपत्ति के कारण बनेंगे। तात्पर्य श्रीमद्भागवत 10:23-35 में अन्यत्र ऐसा ही उपदेश दिया गया है, एतावन जन्म साफल्यम देहिनाम यह देहिषु प्राणेरर्थे धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा। यह प्रत्येक जीव का धर्म है कि अपने जीवन धन बुद्धि तथा वाणी से अन्यों के हित के लिए शुभ कार्य करें। यह जीवन का ध्येय है। अपना शरीर तथा अपने मित्रों एवं परिजनों के शरीर तथा अपनी संपत्ति एवं जो कुछ भी हो वह सारा परोपकार में लगा देना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का यही संदेश है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 9:41 में कहा गया है, भारत भूमिते हैल मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसने इस भारत भूमि में मनुष्य के रूप में जन्म लिया है उसे चाहिए कि वह अपने जीवन को सफल बनाए और दूसरों के हित के लिए कार्य करे। उपकुरियात शब्द का अर्थ है पर उपकार, अर्थात दूसरों की सहायता करना। निसंदेह मानव समाज में ऐसी अनेक संस्थाएं हैं जो दूसरों की सहायता करती है, किंतु परोपकारी समाज सेवी
यह नहीं जानते कि अन्यों की सहायता किस प्रकार की जाए, अतः उनकी समाज सेवा की लालसा प्रभावशाली नहीं होती। वे जीवन के चरम उद्देश्य श्रेय आचरणम को नहीं जानते जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। यदि समग्र समाज सेवी तथा मानवतावादी गतिविधियां जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करके श्री भगवान को प्रसन्न करने की ओर निर्देशित हों तब वे पूर्ण होंगी। श्री कृष्ण के बिना कोई भी मानवतावादी कार्य व्यर्थ है। श्री कृष्ण को प्रत्येक गतिविधि का केंद्र बनाना होगा, अन्यथा किसी भी गतिविधि का कोई भी मूल्य नहीं है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अमृत उपदेश कर रहे हैं, इनके उपदेश में कई श्लोक दिए गए हैं। तो ये दधीची जी देवताओं से बात कर रहे हैं, एतावन अव्ययो धर्म, यही अविनाशी धर्म है, यही सनातन धर्म है। पूर्ण श्लोक है उपासिता, और इस धर्म का आचरण किया है बहुत श्रेष्ठ लोगों ने। पूर्ण श्लोक है, जैसे पूर्ण श्लोक महाराज युधिष्ठिर, नल महाराज, इनको पूर्ण श्लोक कहा गया है। इनकी कीर्ति परम पवित्र है। श्लोक का अर्थ होता है कीर्ति, जस, और पुण्य का अर्थ है पवित्र करने वाली। ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए हैं जिनकी चर्चा सुनने से, जिनका नाम लेने से कोई व्यक्ति पवित्र हो जाता है, वे हैं पुण्य श्लोक। दधीची मुनि अपने से पूर्व में हुए पुरुषों का जिक्र कर रहे हैं, पूर्ण श्लोक है। पवित्र कृति महापुरुष जिस धर्म का आचरण किए हैं, वह धर्म क्या है, बस इतना ही धर्म है, एतावन। दूसरे प्राणी को दुखी देख करके मन में दुख हो, और दूसरे को सुखी देख करके सुख का अनुभव करें, बस इतना ही धर्म है। एतावन अव्ययो धर्म, इतना ही धर्म है। एतावन बता रहा है इतना ही। अन्यत्र एक जगह भगवान वेदव्यास देव ने कहा है इतना ही धर्म है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, जो अपने को दुख दे, अपने को अच्छा न लगे, वह काम दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, भगवान वेदव्यास देव ने कहा है। 18वें पुराण में, सभी शास्त्रों में यही बात कही है, आत्मनः प्रतिकूलानि, जो विचार जो व्यवहार अपने प्रतिकूल लगे वो दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए। किसी भी प्राणी को कुछ कष्ट होता है, कोई सुई चुभावे तो उसको कष्ट होगा, तो वही कष्ट दूसरे को नहीं देना चाहिए। तो यह अविनाशी धर्म है। अविनाशी धर्म का मतलब है वह धर्म जिसका फल अमर होता है, अक्षुण होता है। इस जन्म में व्यक्ति धर्म का आचरण करेगा तो दूसरे जन्म में स्वर्ग प्राप्त होगा, अथवा श्री भगवान का वैकुंठ धाम प्राप्त होगा, जो अविनाशी है।
तो अविनाशी धर्म उसको कहते हैं जो अविनाशी लक्ष्य को प्राप्त करा दे, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। एतावान अव्ययो धर्म, महर्षि दधीचि जी कह रहे हैं एतावान इतना ही अविनाशी धर्म है। क्या? जीवों के दुख को देख करके दुखी होना और उनके सुख को देख कर सुखी होना, बस यही धर्म है। दूसरे के सुख को देख कर सुखी हो जाना और दूसरे के दुख को देख करके दुख का अनुभव करना, इतना ही धर्म है। एतामन शब्द बता रहा है इतना ही, यही धर्म का सार है। ये समझ लेना चाहिए कि सब आडंबर है, धर्म नहीं है। जैसे बहुत बड़ी तिलक कर लिए, बड़ी कंठी बांध लिए, ये धर्म नहीं है। धर्म है दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना और दूसरे के सुख को देख करके सुखी होना, यही धर्म है। इतना ही धर्म है और अविनाशी धर्म, सनातन धर्म। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस संसार में बहुत से धार्मिक लोग हैं कहे जाने वाले। सबसे पहले उपदेश करते हैं कि जैसे क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि हम क्राइस्ट के फॉलोअर हैं, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने स्पष्ट 10 आर्डर में एक आर्डर दिया है, दाउ शाल्ट नॉट किल, तुमको किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। पर ईसाई जगत में ऐसी हजारों संस्थाएं हैं जहां कसाई खाना खोले हुए हैं, पशुओं का वध करना और पशुओं का मांस खाना यह धर्म बना लिए हैं। यही समझते हैं लोग कि हम पशु वध करेंगे, मांस खाएंगे, यही धर्म है। उनको थोड़ा भी विचार नहीं है कि पशुओं को कितना कष्ट होता है। कसाई खाना ले जाने में किसी ट्रक में ठूस ठूस करके भरते हैं, ले जाने में दुख, पहुंच जाने पर बिना खाए पिए पशुओं को रखते हैं, पानी नहीं पिलाते हैं, भोजन नहीं देते हैं। पशु बिल्कुल छटपटाने लगता है और उसके बाद कसाई खाना में जो यंत्र होते हैं उन यंत्रों में उसको फंसा करके उसकी गर्दन काट देते हैं। जीवित अवस्था में सब उत्पात होते हैं, बहुत बड़ा अत्याचार करते हैं, लेकिन फिर भी वे बड़े बड़े पोप कहे जाते हैं या बड़े बड़े फादर क्रिश्चियन पोज करते हैं, बहुत बड़े बड़ा कपड़ा पहनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पादरियों का कपड़ा, बहुत फर्स्ट क्लास का कपड़ा पहनते हैं, जूता पहनते हैं और हजारों लोग प्रणाम करते हैं, ये क्राइस्ट के फॉलोअर आ गए। लेकिन क्राइस्ट ने जो आज्ञा किया है उसमें से एक आज्ञा का भी पालन नहीं कर पाते हैं। जीसस क्राइस्ट ने 10 आर्डर दिया है, उसमें एक बहुत प्रसिद्ध आर्डर है, दाउ शाल्ट नॉट किल। पर क्रिश्चियनों को इतना भी मालूम नहीं है कि क्या कौन प्राणी है और कौन प्राणी नहीं है,
वे ऐसा कहते हैं कि मनुष्य के अलावा कोई प्राणी नहीं है, इसलिए जीवों का वध किया करते हैं। हजारों हजारों गौएं, बकरियां, भेड़, मुर्गी आदि खाते रहते हैं। उन लोगों का ये इतना गंदा विचार है कि उनमें जीव नहीं है, गाय भैंस में, भेड़ बकरी में जीव नहीं है, इतना भी नहीं समझ सकते हैं कि जीव किसको कहते हैं, जीवों की वेदना को क्या समझेंगे। यदि कोई बकरी दुख में पड़ जाती है तो रोती है, चिल्लाती है, परंतु उन लोगों को कुछ भी ध्यान नहीं है कि यह जीव है, दुख भोग रहा है। जीव में और निर्जीव में क्या अंतर है इतना तक मालूम नहीं है, फिर भी बड़े बड़े पोप बने हुए हैं, क्रिश्चियन लीडर बने हुए हैं, कितना बड़ा ज्ञान है। इतना भी मालूम नहीं है कि गाय में भी प्राण है, जीव है, वो भी सुख का अनुभव करती है, दुख का अनुभव करती है। उन लोगों को इतना ज्ञान ही नहीं है, बिल्कुल पत्थर जैसा कलेजा है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं हजारों कसाई खाना को देखा हूँ, सुना विदेश में और अब तो भारतवर्ष में भी हजारों हजारों कसाई खाना है और उनका संचालन बड़े बड़े चर्च के द्वारा होता है। चर्च को माना जाता है कि यह क्राइस्ट का पवित्र स्थान है, जहाँ क्रिश्चियन लोग आकर के प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना क्या करते हैं? प्रार्थना इसीलिए करते हैं कि हमको 7 दिन पाप करने की छूट दीजिए, फिर संडे को आएंगे, अपना जो भी पाप किए हैं आपको दे देंगे, आप भोगते रहिए, आप सुल्ली पर चढ़े रहिए और हम फिर पाप करने जाएंगे। संडे को आते हैं, सारा पाप का फल क्राइस्ट भगवान को दे जाते हैं और ये कहते हैं कि क्राइस्ट हमारे लिए सफर कर रहे हैं, हमारे लिए दुख भोग रहे हैं और तुम ऐसे भक्त हो कि क्राइस्ट को दुख दे रहे हो और साप्ताहिक अमाउंट पाप का अर्पित करते हैं। तो क्रिश्चियन क्राइस्ट चर्च में इसीलिए जाते हैं कि फ्री हो जाए, जो भी पाप किए हैं वो पाप फल लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ले लें और हम पाप करने के लिए फिर छुट्टी हो जाए, फिर पाप करेंगे। अब अगले संडे को आएंगे, आपको पाप अर्पित कर देंगे। यह कोई धर्म नहीं है, ये व्यर्थ लोगों ने मान लिया है कि ये धर्म है। वास्तव में सनातन धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं है। और सनातन धर्म क्या है? इतना ही कि जीवों के दुख को देख करके दुखी होना और सुखी देख करके सुखी होना। यह भारतवर्ष के बहुत महान ऋषि का उद्गार है जिनका नाम दधीची है। कितना सुंदर उपदेश है।
एतावन अव्ययो धर्म, यह अव्यय धर्म है, इसका फल अविनाशी होगा, भगवान का धाम मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। मन में दुख होना चाहिए दूसरे दुखी जीवों को देख करके, और सुख होना चाहिए सुखी देख करके। जैसे हम लोग गाय को देखते हैं, गाय खाना खाती है, घास खाती है, पेट भरा रहता है, तो किस तरह से वह अपने बच्चे को प्रेम से चाटती है, दूध पिलाती है, और दूध पीने के बाद बच्चा फुदकने लगता है, दौड़ता है, तो उसको देख करके स्वाभाविक सुख की अनुभूति होती है। ये सुखी है, गाय सुखी है, उसका बच्चा सुखी है, तो उसको सुखी देख करके सुख का अनुभव करना, परंतु दुखी देख करके उसको भोजन न मिले, पानी न मिले और उसे काट दिया जाए, यह सुन करके कितना बड़ा दुख होता है। इस तरह से दुख का अनुभव करना, दया का भाव होना, यही सनातन धर्म है, और वो सभी जीवों के प्रति, वो चाहे बकरी हो, भेड़ हो, भैंस हो, कोई भी जीव हो, भगवान ने स्वयं ही गीता में कहा है कि जितने भी जीव हैं इस भौतिक जगत में, सबका मैं पिता हूँ, अहम बीज प्रदो पिता, सर्वजोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्याः तासां ब्रह्म महत् ज्योनि, उन सभी जीवों की माता प्रकृति है और पिता मैं हूँ। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति कभी भी प्राणियों में भेद बुद्धि नहीं करता है, सभी को भगवान की संतान समझता है। भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी, यदि कोई ब्राह्मण है, बहुत पढ़ा लिखा है, संस्कृत पढ़ा है, उसमें विद्या विनय भी है, नम्रता है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, और गवि गाय में, हस्तिनी हाथी में, चाहे हाथी में या गाय में या पढ़े लिखे ब्राह्मण में, सभी जीवों में जिसकी सम दृष्टि है, सबको समान समझता है। कुत्ते का मांस खाने वाले चंडाल में और कुत्ते में जिसकी सम बुद्धि है, तो वही वास्तव में पंडित है, वही विद्वान है। जहाँ भगवान गीता में ऐसी बात कहते हैं, वहीं क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि हम दूसरे जीवों, दूसरे जीवों में जीव मानते ही नहीं हैं, केवल मनुष्य जीव है, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो ये सनातन धर्म ऐसा है कि इन लोगों को तो मनुष्य मानना ही नहीं चाहिए, वास्तव में जो पशुओं में जीव नहीं देखते हैं, हत्या करते हैं, और अपने खाने के लिए ही नहीं, हजारों लाखों लोगों को खिलाने के लिए
कसाई खाना में मांस काट करके, पशु काट करके बेचने के लिए सारी दुनिया में, तो उन लोगों को तो मनुष्य मानना ही नहीं चाहिए। यह हमारी वैदिक व्यवस्था है। मनुष्य के स्टैंडर्ड की रचना की गई है, उनको भोजन के आधार पर बांटा गया है। तो हमारे वैदिक संस्कृति में सबसे अधम आदमी कौन माना जाता है? स्वपच, जो कुत्ते का मांस खाए। कुत्ते का मांस खाने वाले को चंडाल कहा जाता है, सबसे नीच व्यक्ति। तो एक बार हमसे प्रश्न किया था एक व्यक्ति अमेरिका में कि और गाय खाने वाला, तो मैं कहा कि गाय खाने वाला तो आदमी है ही नहीं, आदमी में उसकी गणना नहीं होनी चाहिए। सबसे अधम मनुष्य वो है जो कुत्ते का मांस खाता है, और जो गाय खाए वो तो राक्षस है, वो तो मनुष्य है ही नहीं। सबसे पवित्र ब्राह्मण वो है जो यज्ञ की हवी को पाता है, भगवान का प्रसाद खाता है, यज्ञ में भोजन करता है, उसको वाजपेयी कहते हैं। वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ में जो भोजन करता है, भगवान का प्रसाद। इस तरह सबसे बड़ा व्यक्ति वो है जो भगवान का प्रसाद खाए। इस तरह अधम और उत्तम का विचार किया गया है। तो दूसरे प्राणियों में जीव को देखना ही नहीं, ये तो बहुत अधम व्यक्ति का लक्षण है। गाय को खाना, ये तो राक्षस हैं वास्तव में। वो चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, कुछ भी, यदि गाय को खाते हैं तो वो पशु हैं खुद, या राक्षस हैं, मनुष्य नहीं है। एक बार यूरोप में जर्मनी में और फ्रांस में बहुत अत्याचार हो रहा था, धार्मिक अत्याचार धर्म के नाम पर। धीरे धीरे चर्चों के अधिकार में सारा देश आता गया, चर्च का अधिकार हो गया। किसी भी व्यवस्था में चर्च का उदाहरण दिया जाता था, द सारे नियम चर्च के लोग बनाते थे। यहाँ तक कि मनुष्यों का जन्म मरण, विवाह शादी, धन रखना या न रखना, सब कुछ चर्च के अधीन होता था। चर्च ही शासन करने लगा। यदि कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसको दफनाने से पहले सर्टिफिकेट लेना पड़ता था कि ये कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा कि स्वर्ग में जाएगा, और स्वर्ग में जाने के लिए चर्च से सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। पादरी लिख करके देता था, पोप जिसको कहते हैं, लिख करके देता था एक सर्टिफिकेट कि यह हिवेन जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, भगवान के धाम में जाएगा। और वह उसको लिखने के लिए बहुत पैसा लेता था, और वो सर्टिफिकेट देता था। उस सर्टिफिकेट को उस मुर्दा के साथ दफना दिया जाता था,
और ये विश्वास था कि ये दिखाएगा उधर भगवान के पार्षदों को दिखाएगा तब ये लोग बैकुंठ में एंट्री देंगे। इस तरह मरना जीना सब चर्च के अधीन हो गया है। जन्म लेने पर भी बच्चे को चर्च में बहुत बड़ा दान देना पड़ता था। विवाह शादी आदि सब चर्च के अधीन था। तो इस तरह से सारी जनता बहुत दुखी हो गई। तो उन लोगों ने मिल करके एक नियम निकाला कि धर्म को अलग रखा जाए जनजीवन से, धर्म का आक्षेप नहीं रहना चाहिए। स्पष्ट था कि चर्च का अधिकार नहीं रहना चाहिए किसी भी विषय में, हमको स्वतंत्र छोड़ा जाए। और वही फिर बाद में अंग्रेजों ने भी स्वीकार किया, राजनीति को धर्म से अलग रखा जाए, धर्म निरपेक्ष शब्द दिया, उसको सेकुलर स्टेट कहते हैं। किसी भी विषय में धर्म अलग रहना चाहिए राजनीति से, समाज से। और वही विचार भारतवर्ष के लीडरों ने स्वीकार किया। इन मूर्खों को मालूम नहीं है कि यहाँ धर्म ही वास्तविक वस्तु है, धर्म के बिना कोई जीवन नहीं है। यहाँ में और यूरोप में बहुत अंतर है। वहाँ धर्म का मतलब समझा जाता है एक विश्वास मात्र, और हमारे देश में तो धर्म का मतलब है जीवन का अंग। धर्म को अलग किया ही नहीं जा सकता। जैसे स्त्री का धर्म है, पुरुष का धर्म है, पति का धर्म है, हम लोग इन धर्मों को अलग नहीं कर सकते। जैसे पत्नी का धर्म है वो परिवार की सेवा करे, बच्चे का पालन पोषण करे, बच्चे को शिक्षा दे, पढ़ावे, धर्म है अपना, बच्चे को उत्पन्न करेगी कोई स्त्री तो बच्चे को दूध पिलाएगी, सेवा करेगी, शिक्षा देगी, सफाई रखेगी, यह धर्म है। कोई किसी स्त्री को सिखावे कि नहीं धर्म को अलग रखो, तुम केवल स्त्री हो तो ठीक है, बच्चे को जन्म दे दिया लेकिन पालन पोषण करना ये तुम्हारा धर्म नहीं है, इसको छोड़ दो। पति क्या करेगा, सेवा करे। ये कैसा अत्याचार है। ऐसे लोग सोचते हैं कि स्त्री बच्चा भी पैदा करे और फिर मल मूत्र भी साफ करे, खिलावे पिलावे, ये सब जिम्मेवारी ले और पुरुष आराम करे। ऐसा विचार और जगह तो है ही, हमारे हरे कृष्ण आंदोलन में भी ये विचार आ गया है। कुछ पुरुषों का विचार है कि स्त्रियों पर इतना दबाव न रखा जाए, वे क्यों सेवा करें, उनको स्वतंत्र रखना चाहिए। स्त्री संग पुरुष करते हैं तो उसमें उनको भी सुख मिलता है, स्त्री को भी मिलता है, लेकिन बच्चा पैदा करे कोई स्त्री और पालन पोषण करे, इतना बड़ा अत्याचार क्यों। ये कोई अत्याचार नहीं है, यही भगवान की व्यवस्था है, लेकिन कुछ लोग स्त्रियों को भड़का रहे हैं। बड़ी बड़ी पुस्तकें लिख रहे हैं कि स्त्रियां मांग करें, स्त्रियां गुरु क्यों नहीं बनेंगी।
तो बहुत से भक्त समाधान करने की सोच रहे हैं, जैसे भक्ति विकास महाराज हैं, वे लिखते हैं कि प्रभुपाद जी के उदाहरण को कोट करके, प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा है ऐसे कहा है, तो कई लोग इन बातों का विरोध करते हैं। बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, इन बातों को मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जो हमारे ऋषि दधीची जी कह रहे हैं उसी बात को हम कहना चाहते। एतावन अव्ययो धर्म, एतावन बस इतना ही, यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा सोचत हृष्यति, जीवों के दुख को देख करके दुख का अनुभव करे और उनको खुश देख करके हर्ष करे, इतना ही बस धर्म है। ये धर्म की परिभाषा दिया उन्होंने, इतना ही धर्म है। दूसरे को सुखी देख करके सुख का अनुभव करे और दूसरे को दुखी देख कर दुख का अनुभव। इतना ही अव्यय धर्म, अव्यय था जिसका फल कभी नष्ट नहीं होगा, अक्षय वैकुंठ धाम मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। इसको बहुत आसानी से हम भारत के लोग समझ सकते हैं। हम लोग ये भेद नहीं करते हैं कि ये जीव है और ये निर्जीव है, निर्जीव और जीव में अंतर समझते हैं। एक बार तर्क हो रहा था इस विषय पर कि कैसे पहचाना जाए कि जीव है जीव नहीं है, तो एक भक्त तर्क दिया कि जीव को दुख होता है तो चिल्लाता है, या हर्ष होने खुश होने पर वो बोलता है, जो उससे पता चल जाता है कि यह दुखी है या सुखी है। तो विपरीत साइड से तर्क करने वाला कर रहा था, वो कहा कि ऐसे लकड़ी को भी तोड़ा जाए तो चे चे शब्द होता ही है, पत्थर को भी फोड़ा जाए तो आवाज़ होती ही है, केवल आवाज़ से पहचान होती है कि यह जीव है या ठीक नहीं है। इतना बड़ा दुर्विचार, लेकिन लकड़ी तोड़ने से अगर चढ़चढ़ आवाज़ हो तो उससे क्या ये माना जाएगा कि इसमें जीव है? हमको ये बात बता रहे थे राधा रमन महाराज जी, कहते ये विदेशों में विचार है, अभी जीव का पता ही नहीं लग रहा है, इतना अंतर है। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जिनका जन्म भारतवर्ष में हुआ है, भारतवर्ष में मनुष्य शरीर प्राप्त है, वे अपने जीवन को सार्थक करें और परोपकार करें। विदेश में बहुत मुश्किल है किसी चीज़ को ठीक से समझ पाना और करना, ये बहुत मुश्किल है। जहाँ के लोगों को यह बताना भी कठिन है कि जीव का क्या लक्षण है और निर्जीव का क्या लक्षण है, इतना भी पता नहीं है, वहाँ धर्म की शिक्षा क्या कोई देगा?
यहाँ तो सब बच्चा बच्चा समझता है कि जीव क्या है, बकरी के बच्चे को देख करके भी वो प्यार करेगा, इसमें जीव है, कुत्ता के बच्चे को भी देख कर प्यार करेगा, ये जीव है, मनुष्य के बच्चे को देख कर प्यार करेगा, जीव है। एक बार यहाँ एक सभा में अकस्मात गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूछ दिया एक मुसलमान से, बहुत प्रसिद्ध मुसलमान थे बादशाह अकबर के समय के, रहीम खान खामा, तो रहीम जी से पूछ दिया तुलसीदास जी ने कि ये हाथी अपने सिर पर धूल क्यों रखता है, धूल धूल धरत निज सिर पर कहु रहीम कही काज, किस कारण से हाथी धूल को उठा करके अपने सिर पर डालता है। तब रहीम जी ने तत्काल उत्तर दिया, जहि रज मुनि पत्नी तारी सोई ढूंढत गजराज, जिस धूली को पा करके गौतम की पत्नी तर गई, उसी धूल को, भगवान के चरण धूली को यह गजराज आज भी खोज रहा है। इतना सुंदर उत्तर दिया, यह केवल भारतवर्ष में जन्म लेने के कारण था, ऐसा पवित्र देश है। एक मुसलमान बोल रहा है कि जिस भगवान के चरण धूली से गौतम जी की पत्नी अहिल्या तर गई, उसी धूली को, चरण धूली को गजराज अपने सिर पर डालता रहता है आज भी। कई हजार वर्ष बीत गए, कई लाख वर्ष बीत गए, फिर भी हाथी में यही प्रवृत्ति है कि वो चरण धूली मिल जाए। इतना सुंदर उत्तर पा करके गोस्वामी तुलसीदास जी खुशी से नाच उठे। तो इस तरह का उन्नत विचार केवल इस देश में है, परंतु इस देश की दुर्दशा हो गई विदेशियों के संपर्क से। धीरे धीरे अबे चला दिए सेकुलर स्टेट, धर्म निरपेक्ष शासन, धर्म का कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन भारतवर्ष के महामनीषी ब्रह्मर्षि दधीचि मुनि बता रहे हैं, धर्म बस इतना ही है, एतावान, इतना ही, यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा शोचते हृष्यति। दूसरे जीवों के दुख को देख करके मन दुखी हो और उनको, उनके सुख को देख करके हर्षित हो, हृष्यति, यही इतना ही धर्म है। प्रायः हम लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा तिलक कर लें, माला धारण कर लें, हम धार्मिक हो जाएंगे। लेकिन धर्म केवल इतना ही है, दूसरे को दुख दुख, दूसरे को सुख सुखी देख करके सुख सुख अनुभव करना और दुखी देख करके दुख अनुभव करना। धर्म को समझना कठिन नहीं है, बहुत सरल है, आसान है।
दूसरे को सुखी देह करके सुख का अनुभव करना और दूसरे को दुखी देह करके दुख का अनुभव करना, यही धर्म है। इन नौवें श्लोक में ब्रह्मर्षि दधीचि जी कह रहे हैं। दसवें श्लोक में फिर वे कहते हैं, अहो दैन्यम, अहो कष्टम, अहो दैन्यम, अहो कष्टम, पारक क्या क्षण भंग रहे, जब नो जन्नोपकुर्यात अस्वार्थ मर्त्य स्वज्ञाति विग्रह। इस संसार में, भौतिक जगत में प्रत्येक शरीर मनुष्य का मर्त्य कहा जाता है। मर्त्य, मर्त्य का अर्थ है कि जिस मरना निश्चित जिसको है, मरण निश्चित है, उसको मर्त्य कहते हैं। मर्त्य का अर्थ है मरने योग्य। तो कोई भी मनुष्य अपने धन द्वारा, अपने पुत्र आदि के द्वारा और अपने देह द्वारा स्वज्ञाति विग्रह, स्व का अर्थ है वित्त, ज्ञाति मतलब गुत्या परिवार, अपने संबंधी पुत्र आदि और विग्रह देह, अपने देह द्वारा, धन द्वारा और अपने संबंधियों के द्वारा यदि न उपकुरिया, दूसरे का उपकार न करे, तो यह बहुत दैन्य की बात है। अहो दैन्यम, कितने कितना बेचारा है, लाचार, कि अपने देह द्वारा, अपने धन द्वारा और अपने संबंधियों द्वारा दूसरे का उपकार नहीं कर रहा है। वास्तव में मनुष्य का शरीर मिला है केवल दूसरे का उपकार करने के लिए। यदि कोई उपकार नहीं करता है तो यह जीवन उसका दैन्यपूर्ण है, दैन्य, केवल दुख भोगने के लिए है, हाय हाय करके जीने के लिए। अहो दैन्यम, अहो कष्टम, दीनता है। यदि दैन्य से, दीनता से पार होना है तो दूसरे के उपकार में लगना चाहिए। दधीचि मुनि केवल उपदेश ही नहीं कर रहे हैं, स्वयं उन्होंने अपने शरीर को दे दिया देवताओं के लिए। उनका प्रवचन और उनका एक्शन एक है। यह शरीर पारक के अंत में दूसरे के काम में आएगा, पारक्य अपने काम में नहीं आएगा, पारक्य ही। यदि किसी का शरीर किसी कारण से छूट जाए और उसे किसी अज्ञात स्थान में फेंक दिया जाए तो उसको खाने के लिए सबसे पहले कुत्ते आएंगे, सियार आएंगे, सियार रात्रि के समय आएंगे, कुत्ते और गिद्ध आएंगे खाने के लिए। तो शरीर
अंत में उनके काम आएगा, इसलिए पराग पारक कहा गया है। दूसरे का है ये देह अपना नहीं है, क्योंकि इसके वास्तविक अधिकारी कुत्ते और गिद्ध हैं, उनका भोजन बन जाएगा। क्षण भंग रहे यह बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए दिया गया है, बहुत कम समय के लिए, और कोई ठीक नहीं, कभी भी बीमार हो सकता है, मर सकता है। इसको क्षण भंगुर कहते हैं। क्षण मतलब अत्यल्प काल के लिए मिला हुआ है। और गारंटी नहीं है कि यह इतने दिन रहेगा ही, ये कब नष्ट हो जाएगा कुछ भी पता नहीं है, किस मिनट पैरालिसिस हो जाएगा, वाणी बंद हो जाएगी, देखना सुनना चलना बंद हो जाएगा, कुछ पता नहीं है। इसीलिए इसको क्षण भंगुर कहा गया है, ये कभी भी नष्ट हो सकता है। और अस्वार्थ ही या निज प्रयोजन शून्य है, ये अपने उपयोग में बिल्कुल नहीं आएगा, अपने काम में शरीर नहीं आएगा। और धन भी ज्ञाति भी अपने परिवार या संबंधी ये काम में नहीं आएंगे अपने, और धन भी दूसरे के लिए है। धन को असुरक्षित रख दीजिए, अपने आप लोग ले जाएंगे, चोर नहीं स्वजन भी ले जाएंगे। ये तीनों का विशेषण है, स्वज्ञाति विग्रह, धन संबंधी और देह, ये अस्वार्थ है, अपने काम में नहीं आएंगे, परक के दूसरे के हैं। और आप चाहे दें या न दें, लोग नहीं लेंगे देह को, देह को तो कुत्ते ले लेंगे, नोच नोच करके खाएंगे, और धन को सरकार ले लेगी या कोई भी व्यक्ति ले लेगा। और पुत्र आदि को दूसरे लोग ले लेंगे, अपना काम कराएंगे। इसलिए कहा गया है, दधीचि मुनि कह रहे हैं अस्वार्थ है, यह देह अपने उपयोग में नहीं आएगा, अपने लिए है नहीं। देश का एकमात्र प्रयोजन है देह द्वारा, धन द्वारा और संबंधियों द्वारा दूसरे का हित करना। और ये उपकरण मिला है जीव को, मनुष्य को, उपकरण मतलब साधन, धन मिला है, देह मिला है और स्वजन मिले हैं, तो ये क्षण भंगुर हैं, कभी भी नष्ट हो जाएंगे। परिवार के संबंधी का कभी भी मन बदल जाएगा, कभी भी साथ छोड़ देंगे। अतः जब तक साथ हैं तब तक दूसरे का हित करना चाहिए, अपने भाई द्वारा, अपने पुत्र द्वारा, अपने मित्र द्वारा, संबंधी द्वारा, अपने धन द्वारा और अपने देह द्वारा। धन भी चला जाएगा, देह भी चला जाएगा, इस सबके लिए क्षण भंगुर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।
और जाने वाला है और कभी भी चला जाएगा, इसलिए जब तक है तब तक दूसरे का उपकार करना चाहिए। दूसरे के उपकार के लिए ही धन है, दूसरे के उपकार के लिए ही जीवन है, देह है। यदि कोई उपकार नहीं करता है तो उसका जीवन दैन्यपूर्ण है, वो दैन्यम लाचार जीवन है, केवल दुख भोगने के लिए है। इसीलिए दैन्य और कष्ट दोनों शब्द का प्रयोग कर रहे हैं महर्षि दधीचि, अहो दैन्यम अहो कष्टम जत्ते न उपक्रिया, जो दूसरे का उपकार नहीं करता है ऐसा जीवन दैन्यपूर्ण है, लाचार जीवन है, दुखपूर्ण है। बहुत सुंदर उपदेश है कि यह देह है, स्वजन धन सब पारक के हैं, दूसरे के हैं, स्वज्ञाति विग्रह है। स्व का अर्थ है धन, ज्ञाति का अर्थ है संबंधी, और विग्रह का अर्थ है देह। विचार करके देखा जाए धन दूसरे के काम आएगा, ले लेंगे, जीवित अवस्था में ही धन को लोग बांट लेते हैं, कोई व्यक्ति यह सोचे कि धन है तो मैं इससे सुख से खाऊंगा, पहनूंगा, घर बनाऊंगा, क्यों नहीं हमारे काम में आएगा। लेकिन घर बनाना, खाना पीना, कपड़ा पहनना ये हमारा स्वार्थ नहीं है, यह देह दूसरे के लिए है। दूसरे के लिए यदि हमने घर बना दिया, धन को दान कर दिया, तब तो ठीक है, केवल उपकार के लिए भगवान ने हमको ये सुविधा दिया है। अतः हर एक दिन, हर एक वर्ष सब स्थान पर दूसरे का हित कैसे होगा यही सोचते रहना चाहिए और वैसा काम करते रहना चाहिए। दूसरे का उपकार करना, और दूसरे का उपकार सबसे बड़ा यही है कि भगवान का नाम सुनाया जाए सबको, भगवान की कथा कही जाए, भगवान के बारे में बताया जाए। कृष्ण के बिना सभी दुखी हैं, कृष्ण को प्रसन्न करना यही जीवन का मिशन है, उद्देश्य है। हमेशा विचार रखना चाहिए कि ये जीवन या धन संबंधी ये चलायमान हैं, अनस्थिर हैं, धन आज है कल चला जाएगा, धन का कोई ठीक नहीं है कब तक रहेगा। और कोई संबंध ही कब तक हमारे अनुकूल हैं यह निश्चित नहीं है। देह कहीं निश्चित नहीं है तो धन और संबंधी तो कहना ही क्या है। दधीचि मुनि
कई उद्गार है कह रहे हैं, देह धान और संबंधी ये सब क्षण भांगुर हैं, अस्वार्थ है, अपने काम नहीं आएंगे, इनका सबसे बेस्ट यूज है परोपकार करना, दूसरे के हित में इसको लगा देना। और अभी जल्दी, क्योंकि कब नष्ट हो जाए कोई पता नहीं, अतः जल्दी से जल्दी उपकार के काम में लगना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। एक ऐसे ऋषि का उद्गार है जिन्होंने अपने जीवन को दे दिया देवताओं के लिए, सारे विश्व के हित के लिए। हम तो बहुत व्याख्या नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमको बोलने में कुछ कष्ट है। आप लोग विद्वान हैं, समझेंगे इसको, भागवत के इस श्लोक को समझिए और उपकार में लगिए। जय श्री प्रभुपाद।